Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल. ये बेस्ट चैनल है उन लोगों के लिए जो मसल बिल्ड करके अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल अपर बॉडी वर्कआउट, अपर बॉडी में मसल और थिकनेस को बढ़ाने के लिए. अगर आपने मेरा पिछले हफ्ते वाला बॉडी वेट लो बॉडी वर्कआउट नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद देखें, ताकि आप उसमें जो मैंने वीकली वर्कआउट स्प्लिट भी शेयर किया है वो भी चेकआउट कर सकें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप लो बॉडी और अपर बॉडी वर्कआउट्स को किस तरीके से हफ्ते में कर सकते हो. ना एज यूजुअल, वर्कआउट से पहले 4 से 5 मिनट का वार्म अप जरूर करें अपनी बॉडी को, जॉइंट्स को, मसल्स को वार्म करने के लिए. पहली एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, ऑफ कोर्स शोल्डर्स के लिए. यहाँ मैंने रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल किया है और मैं एक रेपिटेशन के बजाय 1.5 रेपिटेशंस कर रही हूँ मसल्स को और ज़्यादा चैलेंज करने के लिए और ज़्यादा ग्रो करने के लिए. तो पूरा ऊपर पुश करने के बाद आपको सिर्फ आधा नीचे आना है और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ कम्प्लीटली पुश करना है वापस से स्टार्टिंग पोजिशन में आने के लिए. अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो या बॉटल्स फिल्ड विद वाटर या सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो. बाय द वे यू गाइस, अगर रियली मसल बिल्ड करनी है और थिकनेस को बढ़ाना है तो डंबल्स इतने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. आई हाईली रेकमेंड कि आप कुछ एक डंबल्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको मसल टेंशन को कॉन्स्टेंटली वीक बाय वीक बढ़ाना होगा जिससे आपकी कॉन्स्टेंटली मसल बढ़ती रहे. तो मेक श्योर कि आप डेफिनेटली नीचे दिए गए लिंक्स को चेकआउट करो, ताकि आप कुछ एक डंबल्स एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर कर सको. नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि ऑफकोर्स आपकी चेस्ट ग्रोथ के लिए है, आपकी चेस्ट मसल्स के लिए है. जितनी ऊंचाई पे आप ये इंक्लाइन पुशअप करोगे उतनी एक्सरसाइज ईजी होगी, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आप हाइट को रिड्यूस कर सकते हो एक्सरसाइज को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए. Now you guys, मैंने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट ब्रेस्ट लिफ्ट वर्कआउट फिल्म किया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर नेक्स्ट ट्यूसडे. उससे पहले इस सैटरडे 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी परफेक्ट वेट गेन स्मूदी विदाउट यूजिंग एनी प्रोटीन पाउडर. सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. तीसरी एक्सरसाइज है बैंडेड रोज. ये परफेक्ट है बैक की स्ट्रेंथ को और मास को इंक्रीज करने के लिए. जिन लोगों को अपनी वेस्ट की विड्थ भी बढ़ानी है उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. अपनी आर्मपिट के नीचे लंबाई में जो मसल है जिसको हम लैट्स बोलते हैं, उसको यूज करते हुए आपको बैंड को अपनी तरफ पुल करना है, और जब बैंड पूरी तरह पुल्ड है तो आपको अपनी मिड बैक को स्क्वीज करना है हर रेपिटेशन में. अगर आपके पास बैंड को कहीं अटकाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप अपने बैंड को अपने पैरों में भी लूप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज करने के लिए. ना इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये है कि बैंड को पूरी तरह से खिंचा हुआ रखना है थ्रू आउट एवरी सिंगल एक्सरसाइज, ताकि मसल पर कॉन्स्टेंट टेंशन बनी रहे. बैंड को कभी भी ढीला नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए. बैंड को नीचे की तरफ से पकड़ना है, एल्बोज बॉडी से जुड़ी हुई, और फिर आपको बाइसेप कर्ल्स करने हैं. अगेन रिमेंबर कि आर्म्स को उतना ही नीचे तक लेकर जाएं जहां तक बैंड में वो स्ट्रेच जो है, वो खिंचाव जो है, वो बना रहे. अगर आप अपनी आर्म्स को रियली सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं यू गाइस, तो आप मेरा ये आर्म्स वर्कआउट ज़रूर देखें और उसको फॉलो करें, ताकि आप अपनी आर्म्स की मसल्स को ग्रो कर सकें. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऑफकोर्स हमारी रिवर्स कर्ल्स, जो फोर आर्म्स पर काम करेगी. इसमें बैंड को आपको ऊपर की तरफ से पकड़ना है, ताकि आप फोर आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रख पाएँ. अगेन यू गाइज, हर एक्सरसाइज को स्लो और कंट्रोल तरीके से करो, ताकि आप माइंड टू मसल कनेक्शन बना सको, ताकि आप हर रेपिटेशन को इफेक्टिव बना सको, ताकि हर रेपिटेशन में जिस मसल पे आप काम कर रहे हो उसे आप इंगेज कर सको और उसमें आप बर्न फील कर सको. अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन्स. एल्बोज को अपनी साइड में टक करें और फिर ट्राइसेप्स को यूज़ करते हुए, जो कि आपके आर्म्स का पिछला हिस्सा है, उसे यूज़ करते हुए बैंड को नीचे की तरफ आपको पुश करना है. जब आर्म्स नीचे की तरफ फुली एक्सटेंडेड हों तब आपको ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है फॉर बेटर एंगेजमेंट. बिना कोर एक्सरसाइज के कोई अपर बॉडी वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो सकता है. इसी की वजह से यहाँ लास्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो आपकी लोअर बैक और आपकी एब्स दोनों पर काम करेगी. ऑपोजिट आर्म और ऑपोजिट लेग को एक्सटेंड करना है, अपने मिड सेक्शन को टाइट रखते हुए, एंगेज रखते हुए, तभी बैलेंस बनेगा और तभी माइंड टू मसल कनेक्शन बनेगा और तभी आपको बर्न भी फील होगा. सो मेक श्योर आप अपने एब्स को और लोअर बैक को कम्प्लीटली एंगेज रखें, और उसको यूज़ करते हुए जो आपकी आर्म और लेग की मूवमेंट है उसे आप कंट्रोल करें. ऑलराइट यू गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे. उसके अलावा बने रहे मेरे चैनल पे फॉर मोर वर्कआउट एंड फूड वीडियोस, ताकि आप और ज़्यादा सीख सको और ज़्यादा ग्रो कर सको. लेट्स फिनिश दिस ईयर नाइस एंड स्ट्रॉन्ग यू गाइज. ऑन दैट नोट आई एम गोना टेक योर लीव. बाय गाइज़.